देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। वहीं आपको बताते चलेंगे उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मिले आज 656 नए कोविड पेशेंट्स। वहीं दूसरी खबर बड़ी, बरेली में पहली बार नहीं होगा युवाओं का वैक्सीनेशन, शासन से वार्ता के बाद लिया गया फैसला। आप सभी से निवेदन है कि कोरोना काल को देखते हुए शासन ने लॉकडाउन घोषित किया है, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस 3 दिन का लॉकडाउन का पालन करें। वहीं आपको बताते चलें कि आप वैक्सीनेशन असरदार लगवाएं, समझदार, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, आमजनों की जागरूक। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र आंवला, मीरगंज, देवचरा, गरमैया, फरीदपुर, पंचमी, कांदरपुर, बल्ली आदि जगहों में सूचना जनसंघ विभाग लखनऊ द्वारा पंजीकरण नवज्योति नाट संस्था द्वारा संस्था के संरक्षक डॉक्टर रजनीश सक्सेना के नेतृत्व में लोगों ने राष्ट्रहित में कोरोना महामारी सावधानी के लिए गीत एवं वैक्सीन लगवाकर लोगों को जागरूक किया। वहीं आपको बताते चलें कि आज महिला अस्पताल के 3 कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त। कर्मचारी ने कोविड 19 का पालन करते हुए दी भाविन से विदाई। महिला अस्पताल के 3 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर भाविन विदाई दी गई। मेट्रो नीरन लाल, प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप शर्मा, चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर सहनवाज परवीन, सहायक मेट्रन परवीन को फूलमाला पहनाकर उनके कार्य का भी प्रशंसा करते हुए जीवन को सफल बनाने की शुभकामना दी। इस अवसर पर शोध अधिकारी अजयपाल गंगवार। वहीं आपको बताते चले कि कोरोना से क्षेत्र में नवाबगंज बरेली में लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए कब पहुंचेगी ऑक्सीजन इंतजार देखते हुए पायनियर संस्था ने मांग उठाई। नवाबगंज अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की मांग, जिसके अभाव में लोगों की जान जाने का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एसडीएम आवास पर संस्था अध्यक्ष मुख्य पदाधिकारी ने प्रार्थना पत्र देकर प्रशासन से जगाने हेतु एसडीएम साहब बाहर नहीं आए। किसी कर्मचारी ने बताया कि सो रहे हैं। बाहर न आने पर संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने मजबूर होकर पत्र वहां मेज पर रख दिया। वहीं आपको बताते चले कि बीमार महिला ने फांसी लगाकर दी जान। थाना बारदरी संजयनगर की रहने वाली 22 वर्षीय शिवानी के पड़ोस में रहने वाले ने मैरिज विवाह किया था। इसको लेकर तनाव में बृहस्पति की दराज शिवानी ने घर पर बने किचन में कुंडी में दुपट्टा के सारे फांसी लगा ली।